अब ये है एक सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर का टाइम मॉडल है, जिससे क्या होता है कि कनेक्शन स्टेब्लिश हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है वो बताए। ये एक एंड का पॉइंट है जो सर्वर है जो कनेक्शन स्टेब्लिश करने के लिए कर रहे हैं। तो पहली बार जब भी आप लोगों की एक बात आप लोग अच्छे से ध्यान में रख लीजिए, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर मॉडल के अंदर सबसे पहले क्लाइंट ही रिक्वेस्ट करेगा किसको, सर्वर को फॉर कनेक्शन। जब तक क्लाइंट कनेक्शन के लिए सर्वर को रिक्वेस्ट नहीं करेगा तब तक कनेक्शन चालू नहीं होगा। बट उसका वाइस वर्सा एक और पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब तक क्लाइंट सर्वर के पास रिक्वेस्ट नहीं भेजेगा और सर्वर उस नेटवर्क में पता होना चाहिए कि कौन है सर्वर, तो करेगा। तो पहला पॉइंट ये निकला आपका, सर्वर क्या है, सर्वर डिटरमाइन द कॉन्फ़िगरेशन। सर्वर कॉन्फ़िगरेशन करता है, नेटवर्क ये पता करता है कि सर्वर कौन है। जैसे ही सर्वर का पता लग जाता है तो क्लाइंट डिस्कवर, डीएससीपी डिस्कवर के नाम से रिक्वेस्ट करता है ताकि नया आईपी एड्रेस या कोई नया सिस्टम कनेक्टेड हो उसको भी कनेक्ट करे और जो भी नए नोड हो वो कनेक्ट करे। तो दोनों एंड पे हमने कनेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद देखेगा कॉन्फ़िगरेशन कनेक्टेड है, अगर हाँ बोले दिस इज अ सर्वर कॉन्फ़िगरेशन, तो ये जो रिक्वेस्ट हो रही है डीएससीपी डिस्कवर की ये ब्रॉडकास्ट वे में हो रही है ना कि यूनिकास्ट पे। तो पूरे नेटवर्क के अंदर हर जितने भी नोड कनेक्टेड होंगे उनके पास जाके रिक्वेस्ट पूछेगा क्या आप डीएससीपी सर्वर हो, क्या आप डीएससीपी सर्वर हो, और जितने भी डीएससीपी सर्वर है वो रिप्लाई करेंगे ओके। बट इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि पहले जिस डीएससीपी सर्वर ने आपको रिक्वेस्ट कर दी और उसका रिप्लाई आ गया तो आईपी एड्रेस या आप उसके नेटवर्क पे स्टेब्लिश हो जाओगे, ठीक है, और उसकी वजह से कनेक्शन में प्रॉब्लम भी आ सकता है नहीं भी आ सकता है वो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन डिटरमाइन हो गया, उसने बोला हाँ, तो डीएससीपी की तरफ से एक ऑफर चला जाएगा कि मैं हूं और आप मेरे को रिक्वेस्ट करो। तो यहाँ पे उसने कर दिया। अब कलेक्शन ऑफ रिप्लाइज यहाँ से हुए, सिलेक्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से बोल दिया डीएससीपी रिक्वेस्ट कर दो, तो इसने डीएससीपी की रिक्वेस्ट यहाँ करी और एक डीएससीपी की रिक्वेस्ट यहाँ हुई, ठीक है। इसने अगर रिजेक्ट कर दी तो दूसरे सर्वर ने एक्सेप्ट कर ली, तो इस सर्वर से आपके पास से कनेक्शन की एस्टेब्लिशमेंट हो जाएगी और इस रिक्वेस्ट को का रिप्लाई आएगा इन अ फॉर्म ऑफ पैकेट जो आपका इनिशियलाइजेशन कंप्लीट का एक स्टेप होगा। तो इनिशियलाइजेशन स्टेप में क्या क्या हो सकता है, डीएससी डिस्कवर, फिर उसके बाद ऑफर, फिर रिक्वेस्ट, फिर पैक। अगर रिक्वेस्ट की जगह पैक नहीं आ रहा होगा तो डीएससीपी रिजेक्ट भी हो जाएगा। तो ये बेसिक टाइमलाइन डायग्राम है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर फॉर डीएससीपी, ठीक है। अब कनेक्शन तो एस्टेब्लिश हो गया, कनेक्शन एस्टेब्लिश के बाद आपको जो डेटा भेजना है आप लगातार भेजते रहेंगे, और जब वो डेटा कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद में एक डीएससीपी रिप्लाई रिलीज क्यूरी चलेगी जो चलाएगा क्लाइंट सर्वर के पास से, बोलेगा मुझे अब छोड़ दो, मुझे मेरा काम कंप्लीट हो गया, मुझे जितने पैकेट देने थे अब मैं तरफ से फ्री हूँ, मेरे को छोड़ दो और मेरी आईपी एड्रेस आप अपने पास दोबारा रख लो ताकि कोई और दूसरा नोड आए तो आप उसको दे देना। डीएससी सर्वर एक्सेप्ट कर लेगा और वो उसकी आईपी एड्रेस और उसका कंटेंट जो उसका लॉग बनाया होगा कि क्या आईपी एड्रेस है, कितनी देर कनेक्टेड रखा है, क्या रखा है, वो फॉरन आईपी एड्रेस में तो अपडेट दे देगा मगर लॉग को वो विदिन अ 24 आवर्स, विदिन अ 36 आवर्स, जो डीएससीपी की आपने मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करी होगी, जिस तरीके से आपने काम करा होगा, जो आपने सेटिंग करी होगी डिटेलिंग्स की हटने की, कंटेंट की हटने की, तब वो कंटेंट हट जाएगा, ठीक है। अब हम पढ़ रहे थे मोबाइल आईपी एड्रेस, अभी तक हमने पढ़ा टनलिंग। टनलिंग हमने क्या बताया था कि टनल्स बन जाते हैं किसके बीच में, देखा था ना कल डायग्राम, मोबाइल नोड और करस्पोंडेंट नोड के बीच में, ठीक है। तो ये रिवर्स टनलिंग होगी,
विथ आईपी एड्रेस, मोबाइल आईपी एड्रेस क्या करा है कि राउटर एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ टोपोलॉजिकली करेक्ट एड्रेस विद द हेल्प ऑफ फायरवॉल। फायरवॉल के अंदर रिवर्स टनलिंग भी होती है ताकि मोबाइल एड्रेस से फॉरेन एजेंट के थ्रू कनेक्ट करा जाए ताकि आपका कनेक्शन आराम से बने। ठीक है, तो रिवर्स टनलिंग डज नॉट सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ फायरवॉल्स, ऑप्टिमाइजेशन डेटा पाथ, और इट इज अ बैकवर्ड कॉम्पिटिबल मेथड फॉर सॉल्विंग दी थिंग्स। बट इसका फायदा क्या है कि फ्यूचर मल्टीकास्ट एंड टाइम टू लिव प्रॉब्लम सॉल्व विद द हेल्प ऑफ रिवर्स टनलिंग, विद द हेल्प ऑफ रिवर्स टनलिंग। ठीक है, ओके, तो ये छोटी सी मतलब था, विद द हेल्प ऑफ रिवर्स टनलिंग फ्यूचर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, मल्टीकास्टिंग की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, पैकेट भेज सकते हो एनकैप्सुलेट करके फाइनाइट से मोबाइल नोड के बीच में, मोबाइल नोड से फाइनाइट के बीच में। प्रॉब्लम जितनी भी फायरवॉल की आती है वो नहीं हो सकती है, टनल हाईजैक हो जाता है क्योंकि, और ऑप्टिमाइजेशन जितना ज़्यादा नोड ज़्यादा नहीं रहेंगे उतने हैं, ये वाला डायग्राम आपको याद आना चाहिए, फॉरेन एजेंट ऑप्टिमाइजेशन ये ना हो पाएगा। ठीक है, ये डायग्राम बना ले सभी लोग रिवर्स टनलिंग का।